नमस्कार, हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। अब राशन कार्ड के बिना नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तेजी से बढ़ रहे फर्जी बाड़े को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसके नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब पीएम किसान योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब राशन कार्ड का नंबर आने के बाद ही परिवार के किसी एक सदस्य को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकेगा। नए रजिस्ट्रेशन के लिए अब किसानों को पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर देना होगा। इसके साथ ही राशन कार्ड का एक पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। राहत की बात यह है कि अब खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह अब डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल बनाकर इसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ये बदलाव पीएम किसान योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इससे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करना और भी आसान हो जाएगा। सोलन नौणी रोड पर कोई हादसा ना हो तो सफर के बाद ऊपर वाले को कहें धन्यवाद। बरसात के बाद विभिन्न स्थानों पर सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। इस वजह से लोगों को सफर करते हुए हिचकोले खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश के 3 जिलों का प्रमुख मार्ग सोलन मीन्स नौणी रोड एवं सैंज पराला मंडी शिमला की हालत बद से बदतर हो गई है। बता दें कि करीब 150 किलोमीटर लंबा ये मार्ग जिला सिरमौर के राजगढ़, हरिपुर धार, गिरिपुल, नौरा धार, चुरबा धार, दग चौरा सहित जिला शिमला के छैला, सैंज, परमा मंडी, कोटखाई, कुब्बी और जिला सोलन की दर्जनों पंचायतों से होकर जाता है। इस मार्ग के माध्यम से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन इस मार्ग की हालत खस्ता होने के कारण लोगों की हालत भी मार्ग की भांति ही दयनीय हो जाती है। अब तो सुन लो सरकार, उम्र बड़ी, सेना भर्ती अब भी अधूरी, अटकी लिखित परीक्षा से हजारों युवा परेशान। हिमाचल के युवाओं की सेना भर्ती टलने से हजारों युवा परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह ये है कि मार्च 2021 में हुई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब तक नहीं हुई। उधर युवाओं को ओवरएज होने का डर है। युवाओं का कहना है कि पिछले वर्ष 2021 मार्च को हमारी भर्ती हुई थी, जिसकी परीक्षा मई 2021 को होनी थी। तब से लेकर आज तक इनको कोरोना का बहाना बनाकर टाला जा रहा है। इसके कारण हमारा भविष्य खतरे में है, हम मानसिक तौर पर दुखी हो गए हैं। दूसरी तरफ सरकार मार्च 2021 से लेकर ना जाने कितनी रैलियां कर चुकी है। आर्मी सेंटर की भर्ती आज भी कोरोना नियमों में करवाई जा रही है, ये अलग अलग राज्यों में करवाई जा रही है। ऐसे में हमारा आर्मी का टेस्ट क्यों नहीं करवाया जा रहा है? हम मझधार में फंस गए हैं। यहाँ ना आगे जाने का रास्ता है और ना पीछे हटने को। भर्तियां ना करवाए जाने से कई लड़के ओवरेज हो गए हैं, हमारा भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। इसलिए सरकार से आग्रह किया गया है कि आर्मी परीक्षा करवाई जाए। कोरोना के दौरान भर्ती ना होने के कारण जो जो लड़के ओवरेज हो गए हैं उन्हें चांस दिया जाए। उधर पूर्व सैनिक निगम के पूर्व CMG ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर का कहना है कि इस बारे में सेना भर्ती के मंडी निर्देशक से बात हुई थी। उनका कहना है कि भर्ती की मंजूरी अभी सेना मुख्यालय से नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है बेसभी युवा ओवरएज नहीं होंगे, इन्हें भी एक चांस आयु पार करने के बाद भी दिया जाएगा। 4 लेन की ब्लास्टिंग से फिर दहला स्वारघाट का थापना गांव, गुस्साए ग्रामीणों ने बंद करवाया काम। स्वारघाट में थापना गांव के पास चल रहे कीर्तपुर नेर चौक 4 लेन कार्य में एक बार फिर गाबर कंपनी की लापरवाही सामने आई है। कंपनी द्वारा एक बार फिर से भारी ब्लास्टिंग की गई है, जिसकी ना तो ग्रामीणों को कोई सूचना दी गई और ना ही प्रशासन या लोक निर्माण विभाग को सूचना दी गई। ब्लास्टिंग के दौरान स्थानीय लोग निजी घासनियों में काम कर रहे थे। इस दौरान ब्लास्टिंग से पत्थर लोगों के घरों के आंगन व छतों पर जाकर गिरे। कंपनी की लापरवाही के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 4 लेन का निर्माण कार्य रुकवा दिया है और पुलिस व स्थानीय प्रशासन को सूचित किया गया। मौके पर स्वारघाट पुलिस, नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा और SDO PWD अचर सिंह चौहान मौके पर पहुंचे हैं। कंपनी के अधिकारियों और ग्रामीणों को पुलिस थाना स्वारघाट में बुलाया गया है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिल क्वेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।